ओके लेट्स सी 12th जुलाई की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है। 11th जुलाई बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो अगर 11th को इतना कुछ होगा तो 12th को कितना कुछ होगा। सो लेट्स सी 12th जुलाई की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। गाइड्स एंजल्स क्या क्या सामने आने वाला है, हम क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है 12th जुलाई। गाइड्स एंजल्स 12th जुलाई वी हैव ओके कार्ड उछल उछल के बाहर आने की कोशिश कर रहा है। आई विल शो इट टू यू, बट यहाँ पे इफ़ यू सी 6 of Swords ओके 5 of Wands एंड Emperor। नाउ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 12th of July कोई बहुत स्ट्रांग स्ट्रगल या लड़ाई या कोई बहुत स्ट्रांग ट्रबल, और ये अपने ही कुटुंब के बीच में लड़ाई है ना एक तरह से, क्योंकि ये पांडव हैं, पांडव और कौरव, ये महाभारत का सीन है, तो बहुत स्ट्रांग महाभारत एनर्जी में कुछ रिलीफ आने वाला है। मुझे ट्रैवल मूवमेंट दिखाई दे रहा है, हो सकता है फैमिली से रिलेटेड कोई आर्ग्यूमेंट्स, कोई स्ट्रगल, कोई कुछ हो जाए, लेकिन एक स्ट्रांग स्टैंड जो है उसको लेना जरूरी होगा और वो लिया जाएगा। एक पावरफुल स्टैंड जो है किसी चीज़ के ऊपर लेना जरूरी होगा, और आपको भी ध्यान रखना है एक ट्रैवल आपकी लाइफ में हो सकता है, एक मूवमेंट हो सकती है, और वो ट्रैवल जो होगा वो किस तरह की स्ट्रगल लेकर आ सकता है, और वो जो स्ट्रगल है वो आप डील तभी कर सकते हो जब आप पूरी तरह से एक स्ट्रांग एक पावरफुल एनर्जी में हो, जहां पे आप अपनी पावर, अपनी एनर्जी, अपने एक्सपीरियंसेस को समझते हो और इमोशन के बदले एक्सपीरियंस को जो है वो ज्यादा महत्व देते हो। लेट मी टेक आउट क्लैरिफायर्स एंड देन वी विल गेट द कंप्लीट स्टोरी। सो 6 of Swords, व्हाट इज दिस ट्रैवल रिलेटेड टू, ये दिस मूवमेंट, ये कई बार 6 of Swords जो होता है वो डिफिकल्ट एनर्जी से इजी एनर्जी में जाना भी हो सकता होता है, और यहाँ पे जजमेंट है, देर इज अ बिग जजमेंट, देर इज अ बिग डिसीजन दैट इज कमिंग ऑन 12th को ज्ञानव्यापी का भी कुछ है ना, आई थिंक। ओके लेट्स सी व्हाट इज फॉर 5 of Wands, द क्लैरिफायर फॉर 5 of Wands। 5 of Wands, 2 of Wands, ओके एंड व्हाट इज द क्लैरिफायर फॉर Emperor? Emperor इज द वर्ल्ड अगेन, सो इट इज जस्टिस, 2 of Wands एंड द वर्ल्ड। अब यहां पे मुझे ये एनर्जी जो है, अगर आप जजमेंट की एनर्जी देखोगे, यहां पे जजमेंट क्या है, ये पर्सन जो था इस, अब यहां पे अल्कोहल है, यहां पे डायरीज हैं, यहां पे पैसे हैं, यहां पे मनी है, और ये जो दो एंजल्स हैं फाइनली इसको उठाकर यहां से लेके जा रहे हैं, और क्योंकि डिसीजन हो गया है, जजमेंट हो गई है, इट इज टाइम फॉर दिस पर्सन टू मूव और गेट अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दीज एनर्जीज। तो ये जजमेंट का कार्ड है, ये डिसीजन मेकिंग का कार्ड है, पुरानी सारी चीजों से, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो बाकी की चीजें हो, सारी चीजों से एक बाहर आने की एनर्जी है। नाउ दिस कैन बी अ रेस्क्यू, क्योंकि मुझे इस हफ्ते में एक रेस्क्यू दिखाई दे रहा है। नाउ आई एम नॉट श्योर किसका रेस्क्यू है, रेस्क्यू भी हो सकता है, अरेस्ट भी हो सकता है, दोनों में से एक एनर्जी हो सकती है, लेकिन मुझे इस हफ्ते में कोई रेस्क्यू दिखाई दे रहा है, तो दिस कैन बी दैट रेस्क्यू, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो स्ट्रगल है उस रेस्क्यू से रिलेटेड, उस रेस्क्यू को कैसे करना है, अपने ही बीच, अपने ही लोगों के बीच में एक स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रही है, और 2 of Wands है जहां पे चॉइसिस करनी पड़ेंगी, जहां पे एक चॉइस करनी पड़ेगी, और वो जो थर्ड है जो बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है, की एनर्जी है, तो कोई डिसीजन होगा जो सारी दुनिया के सामने आएगा, और वो दुनिया को दो पार्ट में भी बांट सकता है, लेकिन दुनिया के लिए नई बिगनिंग, नई एनर्जी भी लेकर आ सकता है। अगर आपकी लाइफ की बात बोलूं मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिसीजन आप ले सकते हो जहां पे आप पुरानी सारी चीजों को, सारी लिमिटेशंस को छोड़कर, सारी डिफिकल्टीज को छोड़कर आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। थोड़ी स्ट्रगल होगी उस चीज से, लेकिन अगर आप चॉइस करोगे तो डेफिनेटली आप अपना सही डिसीजन लोगे, और आप दुनिया के एनर्जी से, एक कंप्लीशन की एनर्जी, एक साइकिल की एनर्जी, ग्रोथ की एनर्जी जो है, रियलिटी की एनर्जी जो है उसमें आओगे, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। Now let's see what is going to be the message or the theme of the day, या क्या आपको गाइडेंस है पूरे दिन में, किस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो दिस इज पेज ऑफ फायर, पेज ऑफ फायर, पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी होती है। इफ यू सी, एक ब्यूटिफुल व्हाइट टाइगर है जो यहाँ पर बैठा है, और व्हाइट टाइगर एक्सेप्शनल होते हैं, यहाँ पे मून है और यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, और पेज ऑफ फायर की एनर्जी जो है, लेट्स सी व्हाट डज पेज ऑफ फायर से, पेज ऑफ फायर, वाह एकदम खुल गया, पेज ऑफ फायर की एनर्जी जो है वो बोलती है एंथुजियास्टिक एक्शन, एडवेंचरसनेस, वेंचरिंग फोर्थ, बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, एक्टिंग ऑन अ न्यू आइडिया, नई आइडिया, नई कोई बिगनिंग, नई कोई शुरुआत, नया कोई वेंचर शुरू होना, नई कोई एनर्जी शुरू होना, और यहाँ पे पर्पस फाइंड करना, आइडिया अपना, उस पर बिलीव करना और उसको वैल्यू करना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो पावरफुल एनर्जीज हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग, मुझे क्यों लग रहा है, मुझे इस जजमेंट को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना है, व्हाट कैन दिस जजमेंट बी अबाउट। द एम्प्रेस, एम्प्रेस की एनर्जी जो है वो ग्रोथ की एनर्जी, पावर की एनर्जी,
मदरहुड की एनर्जी, वो सारी एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे एम्प्रेस में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की फील आ रही है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे एम्प्रेस में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की फील आ रही है। बहुत वियर्ड है, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस एम्प्रेस में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की फील आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जजमेंट है, ये आपकी ग्रोथ से रिलेटेड हो सकती है, आपके किसी ऐसी चीज से रिलेटेड हो सकती है जो आपको बेटरमेंट की तरफ लेके जाए, स्टक एनर्जी से बाहर लेकर आए, स्टक सिचुएशन से बाहर लेकर आए। और ये ग्रोथ पावर, अबिलिटीज, मदरहुड, इन सारी चीजों से रिलेटेड हो सकती है। और यहाँ पे मुझे अगर दूसरी तरह से है तो ये दिस इज रिलेटेड टू सी द चॉइसेस, द लवर। और यहाँ पे सेवन ऑफ रोड्स, अपने ग्राउंड को स्टैंड करने की एनर्जी, और लास्ट में टेन ऑफ सोर्ड्स, कंप्लीशन की एनर्जी है, किसी तरह के एंड की एनर्जी है। जो एंड जो है वो नया बिगनिंग लाएगा, बिकॉज एंड इज नॉट द एंड। बैक हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहे, स्पाइन हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहे, अपना ग्राउंड स्टैंड करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ओवरऑल एनर्जी जो है वो इस तरह की लग रही है, जहाँ पे कुछ बहुत स्ट्रांग जजमेंट या डिसीजन जो है हो सकता है, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग आउट सम काइंड ऑफ स्ट्रगल, जहाँ पे चॉइसेस करनी पड़ेंगी, और वो चॉइसेस बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं, क्योंकि उन चॉइसेस का बहुत मेजर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाला है। अपना ग्राउंड स्टैंड करना पड़ेगा, कुछ लोगों को अपने आप को बचाने की भी कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ मुझे ऐसी एनर्जीज लग रही हैं जहाँ पे डेथ लाइक सिचुएशन, किसी का हर्ट होना, उस तरह की सिचुएशन जो है वो भी हो सकती है। बट अगेन, ये सारी चीजें जो हैं वो कुछ डेफिनेटली कुछ नया रिजल्ट लेकर आएंगी। और यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट भी है जो मुझे लग रही है, किसी तरह का कोई कोई जजमेंट प्रनाउंस होना, जो ज्ञानवापी भी हो सकता है वैसे, पर किसी तरह का कोई जजमेंट या डिसीजन प्रनाउंस होना, या किसी पर्सन का उठाया जाना जो है वो मुझे लग रहा है। यस, दिस इज ऑल सी शवल है, शवल जो है वो खोदने के काम आता है, हथियार ही आए हैं एक तरह से सारे, कटार है, कटार जो है वो डेफिनेटली प्रोटेक्शन और मारने के काम आती है, और रेंच है जो बेसिकली टाइट करने, स्क्रू टाइट करने के काम आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत मेजर निकल के आने वाला है, जो एक फाइट की एनर्जी, प्रोटेक्शन की एनर्जी और को लेकर आने वाला है। और इस दिन लोगों की स्क्रू टाइट करना या चीज़ों को बैलेंस करना जो है वो बहुत मेजर होने वाला है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर और अपने आप को बैलेंस रखिए इस दिन, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी, 12th की एनर्जी बहुत स्ट्रांग, अगेन बहुत स्ट्रांग है, ये वीक मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है। लेट्स सी 13th की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है।